नाज़रीन, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन चौधरी अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्याव फाउंडर एलबीएफ अलायंस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद हूं। आज पेट्रियन इन चीफ यूबीजी एसएम तनवीर ने प्याव फाउंडर एलबीएफ अलायंस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। वहीं इस हमायत के साथ ये अलायंस मज़ीद तगड़ा हो चुका है। चौधरी अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको सबसे पहले तो सर मुबारकबाद देते हैं। ये एक मज़ीद बड़ी कामयाबी चौधरी अमजद ने हासिल की है, इस अलायंस ने हासिल की है। कैसी तैयारियां हैं और कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं आज यूबीजी और एसएम तनवीर साहब के ऐलान की सूरत में? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज हमें वो फतह दी जिसका मेरा कम अज़ कम एक साल से मेरी ख्वाहिश थी। और मैं एक साल से तनवीर भाई के पीछे लगा हुआ था कि तनवीर भाई खुल के आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुल के सामने आ गए। यूबीजी आज प्याव फाउंडर एलबीएफ लाइन के साथ खड़ी हो गई, और जब यूबीजी खड़ी हो गई तो समझे फिर पूरा लाहौर, वो इंडस्ट्री हो या एसोसिएट क्लास हो, कॉर्पोरेट हो या एसोसिएट हो, सब खड़े हो गए। क्योंकि तनवीर और गौहर एजाज़ वो शख्सियत हैं जो हर बंदे की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। इंशाल्लाह ताला इनके आने से मुझे पहले भी अपने अल्लाह से बड़ी उम्मीद थी, यकीन था कि उम्मीद नहीं यकीन था कि हम इलेक्शन जीतेंगे। अब आने से ये फैसला हो गया कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये इलेक्शन हम जीत चुके हैं। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.